हेलो बच्चों, आज हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का थर्ड क्लास है। हमने पिछले क्लास में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखा था कि कैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। उसके बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम भी देखा था और मैंने एक प्रोसेस बताया था, एक ईजी प्रोसेस जिससे कि आप आराम से किसी भी पॉलिनोमियल दिए हुए पॉलिनोमियल का आप रिमाइंडर आप आराम से निकाल सको। वो सबसे इजी वे था जो मैंने आप लोगों को पिछले प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को दिया था। आज जो टॉपिक को आगे ले जा वक्त है, आज हम फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, किस फैक्टर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एन से एन इज ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन वन एंड लेट आप ए बी एनी रियल नंबर, और जिसमें हमारा ए क्या होने वाला है कि रियल नंबर होगा। इसमें दो आपके इक्वेशन सेट होते हैं, इफ़ एफ ऑफ ए बराबर जीरो, अगर आपका एफ ऑफ ए जीरो आता है तो एक्स माइनस ए जो है एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है। ये आपका फर्स्ट फैक्टर थ्योरम है। और सेकेंड फैक्टर थ्योरम आपका है, अगर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स, अगर एक्स माइनस ए एक फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का तो एफ ऑफ ए जीरो होगा, मतलब दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। चलिए तो इन दोनों को हमें इन दोनों का प्रूफ देखना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों का प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट का प्रूफ स्टार्टिंग हम फर्स्ट के प्रूफ से करते हैं। क्या है, लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू, पहले मान लेते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आपको एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है और आपको मान लेना है जी ऑफ एक्स विद द कोसेंट। जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे कोसेंट भी तो आपका आना है, और उसके पास अब आप रिमाइंडर थ्योरम से प्रीवियस क्लास में जो आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखा था उसके थ्रू बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस से रिमाइंडर थ्योरम से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला जो कि हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर जीरो है। सबसे पहले हम इसमें क्या किया, एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हमने मान लिया। अब एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स बाई ए करते हैं, एक्स माइनस ए करते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जी ऑफ एक्स इसका हमारा कोसेंट आएगा, और रिमाइंडर थ्योरम से जब एफ ऑफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से एफ ऑफ ए हमारा सॉरी यहाँ हमारा एफ ऑफ ए होगा, हमारा एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हम इक्वेशन पर सेट करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स, ये हमारा कोसेंट प्लस रिमाइंडर एफ ऑफ ए। ऐसा क्यों आया, ठीक ऐसा ये हुआ है क्योंकि हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम से इसको निकाला देखा रिमाइंडर थ्योरम से। अब आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको आगे करेंगे तो एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स। देखिए एफ ऑफ ए बराबर हमने जीरो मान लिया है, सिंस एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ इसको लिखते नहीं हैं, इतना तक करते हैं क्योंकि प्लस जीरो करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो यहीं रखते हैं इसको। तो अब एक्स माइनस ए इसका फैक्टर हो जाएगा क्योंकि ये इसका तो कोसेंट हो गया छोटे, तो ये आपका आ गया इसका फैक्टर एफ ऑफ एक्स का एक्स माइनस ए हमारा फैक्टर आ गया, ये हमारा कोसेंट है, और ये रिमाइंडर हमने अभी जीरो किया क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू हमने जीरो पहले से मान रखा था, तो हमारा एक्स माइनस ए इसका फैक्टर हो गया। इसी टाइप से हमें सेकेंड का भी प्रूफ करना है।
मैं इसको फिर से आपको एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ ले। ठीक है, आपको मानना क्या है, पहले आपका फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट थ्योरम आपको बोलता है कि अगर एफ ऑफ ए बराबर जीरो है तो एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर होता है। तो अगर पहले बोलता क्या है कि अगर एफ ऑफ ए जीरो हो तो क्यों ना हम एफ ऑफ ए को जीरो ही मान लेते हैं, तो हमें ईजी भी पड़े थोड़ा। चलिए मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर हमारा जीरो है। चलिए ठीक है, एफ ऑफ ए बराबर जीरो मान लिए। अब क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से। ठीक है, लेट अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा जी एक्स कॉसेंट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा एफ ऑफ ए, जो कि हमने रिमाइंडर थ्योरम से देखा प्रीवियस क्लास में। जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। बच्चों मैंने अप्लाई नहीं किया है क्योंकि हमने पिछले प्रीवियस क्लास में इसे देखा है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लेकर चला हूँ यहाँ पे आपको। तो आप हमने यहाँ रिमाइंडर एफ ऑफ ए आ गया, तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया आपका एक्स माइनस ए, जो हमने कल को मैंने 28/5 और 25/5 का जो मैंने कल इक्वेशन सेट किया था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 25 बराबर जो हमने इक्वेशन सेट किया था 5 × 5 + 0, उसी इक्वेशन पे हम यहाँ अभी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा एक्स है, आ गया आपका एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स जो हमारा कोसेंट है, और प्लस रिमाइंडर जो हमने एफ ऑफ ए लाया, और एफ ऑफ ए हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही जीरो मान रखा था, तो हमारा रिमाइंडर अगर जीरो हुआ तो यहाँ जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये तो बच्चे हमारा क्वासेंट हो गया था, एफ ऑफ एक्स का एक हमारा फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस ए, इसका एक फैक्टर है और यही हमें इसका प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को इससे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रूफ पे, जो हमारा सेकेंड बोल रहा है कि अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का, तो सेकेंड क्या बोल रहा है, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ ए बराबर जीरो। अगर एक्स माइनस ए हमारा एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है तो एफ ए इक्वल टू जीरो होगा। चलिए तो इसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं। चलिए तो इसमें भी हम मान लेते हैं, पहले लेट एक्स माइनस ए जो बोल रहा हूँ उसी को पहले मान लेते हैं, बी ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हमारा एक्स माइनस ए है एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है ऐसा हमने मान लिया। फिर से डिवाइड करेंगे वैसे ही अनडिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, अगर हम इसको इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्वोशेंट आएगा जी ऑफ एक्स, हमारा क्वोशेंट आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, रिमाइंडर तो हमारा जीरो ही आना है तो लिखते ही नहीं है। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर ए, जैसे कि अभी हमने माना था एक्स माइनस ए, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स माइनस ए बराबर जीरो हो गया, तो एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, ये कल हमने रिमाइंडर थ्योरम में आपको भी बताया था ऐसे करने के लिए। चलिए तो हमारा x इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, x की जगह a लिखते हैं यहाँ, a माइनस ए इंटू जी ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस ए जीरो इंटू जी ऑफ ए, तो कुछ आने वाला नहीं है, तो एफ ऑफ ए बराबर जीरो, ये हमारा प्रूफ हो गया जो कि हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों ये था हमारा सेकेंड थ्योरम का सेकेंड थ्योरम था, जो कि कहता है कि अगर एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा एक्स माइनस ए है वो हमारा एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है। चलिए ठीक है, अब मान लिया तो अब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरह। तो हमने डिवाइड किया ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए, लेट जी ऑफ एक्स हमारा कोसेंट आ जाएगा, तो हम इसे ये उस इक्वेशन पे सेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट जी ऑफ एक्स, और रिमाइंडर तो हमारा जीरो ही आना है, ऊपर में भी हमने देखा तो रिमाइंडर का नाम ही नहीं इधर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा, हम क्या करेंगे जो एक्स माइनस ए है इक्वल टू जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स का वैल्यू हमारा आएगा प्लस ए। तो जहाँ भी एक्स है वहाँ हम ए का वैल्यू निकालेंगे, ए वैल्यू सॉरी ए पुट करेंगे
तो हमारा एफ ऑफ ए निकल आ जाएगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू हमारा जीरो आ गया। तो बच्चों ये तो था हमारा फैक्टर थ्योरम का, दोनों थ्योरम हमने देख रखा, तो क्यों ना इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज बनाने में आपको आसानी हो। इस पर हम एक एग्जाम्पल करने चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है, शो दैट एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस थ्री आपका एक फैक्टर है, सो दैट x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, उसका x माइनस थ्री एक फैक्टर है। चलिए जैसे अभी हमने प्रूफ किया उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से हम चलेंगे। एक्स माइनस थ्री विल बी अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो। अगर x माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा, अगर एफ ऑफ थ्री आपका जीरो होगा तो सबसे पहले बच्चे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है x माइनस थ्री, तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, थ्री आ गया, और आपके पास दिया हुआ क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, यही दिया हुआ। x का वैल्यू हमने निकाल रखा है क्या f ऑफ सॉरी 3, तो जहाँ भी है हमारा 3 x की जगह पुट करते हैं 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 51 ये हो जाएगा प्लस 15, तो ऐड इधर हम कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 36 प्लस 15 माइनस 51, तो 1 यहाँ 5 माइनस 51, तो ये आपका 0। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर हमारा एफ ऑफ ये 0 आ गया, एफ ऑफ 3 0 आ गया बच्चों, तो हमारा जो x माइनस 3 है, जो अब हमारा x माइनस 3 आया इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारा उसका फैक्टर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।